छुट्टी क्यों मनाते हैं। तो हाँ, वो मैं रीज़न आपको ये बताता हूँ, अभी चैनल है न्यू मोनेटाइज हुआ, ठीक है, तो इसलिए जो है ना उसकी एवरेज डोनेशन बहुत कम आ रही है, क्योंकि जो है ना यानी कि व्यूअर्स हमारे पूरी वीडियो वॉच नहीं करते हैं, जब वॉच नहीं करते हैं तो जो एवरेज डोनेशन होती है ना वो कम आती है, ठीक है, व्यूज़ कम आते हैं, इसलिए जितनी छोटी वीडियो उतना ज़्यादा एवरेज डोनेशन होती है, इसलिए मैं थोड़ी सी कम डालता हूँ कुछ दिनों के लिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लंबी वीडियो डालेंगे। तो दूसरी बात व्यूअर्स ये थी कि मैंने आपसे बात करनी थी एक सितारा यासीन के बारे में, ब्लॉगर हैं अच्छी माशाल्लाह, फैमिली ब्लॉगर हैं बहुत, उनका अच्छा व्यूज़ भी था और अच्छे सब्सक्राइबर भी थे, मिलियन में सब्सक्राइबर थे माशाल्लाह, वीडियोज़ भी उनकी बहुत अच्छी होती थी माशाल्लाह, बच्चों के साथ बनाती थी, तो कुछ दिनों से उनका ना जो ना काफ़ी मामला ख़राब हो रहा है, यानी कि यूट्यूब पर मैं देख रहा हूँ, मुझे ना वीडियो बनाना पड़ी, तो जो भी उनके साथ हुआ है अभी आप स्क्रीन पर नीचे देख भी रहे होंगे, ठीक है ना, बहुत बुरा हुआ उनके साथ, जिसने भी किया है ना बस बहुत बुरा किया, लेकिन उन्होंने अभी तक नाम नहीं बताया कि उनके शौहर ने किया या किसने किया है, ठीक है ना, उसकी बहन क्या सलमा उसका नाम है या क्या नाम है मुझे, तो उसने किया या किसने, लेकिन जो भी हुआ ना बुरा हुआ है, क्योंकि हर घर में झगड़ा लड़ाई वो फसाद तो होते रहते हैं, वो कहते हैं ना पंजाबी में कहावत है, किसी और ने किया हो तो वो नहीं बता नहीं ना रही, अभी कुछ नहीं बताया उसने, उसने कहा जिसने भी किया अच्छा किया। तो आप ये नीचे देख रहे हैं कि कैसे बाल भी कट चुके हैं और जो है ना आईब्रो भी कट चुके हैं, ये ऐसे तो अल्लाह माफ़ करे नहीं होता, बहुत बुरा किया जिसने भी किया है, ठीक है, तो बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे इतने भी इंसान संग दिल नहीं होना चाहिए, उनका चैनल भी ख़त्म किया जा रहा है। तो बाकी ठीक है, दो बहनों में इख्तलाफात हुए हैं, यानी कि उनकी झगड़ा वगैरह भी हुआ है, ठीक है ना, जैसे भी, लेकिन इस तरह की घर में अगर जो है ना बात को ख़त्म किया जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, यानी कि यूट्यूब पे इशू बनाने के वजह से, तो काफ़ी जो है ना दुनिया यानी कुछ यूट्यूबरों को मौका भी मिल गया अपने व्यूज़ बढ़ाने का, या जैसे भी आप समझ लें, हर भी यूट्यूबर ने उनके बारे में वीडियोज़ बनाए, ठीक है ना, लेकिन अच्छी बात नहीं, लेकिन जो भी हुआ ना दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन इस तरह गलत किया, जिसने भी किया ना बहुत गलत किया, मैं तो उसको यही कहूँगा कि अल्लाह तेरा भला करे, ठीक है ना, लेकिन नहीं करना चाहिए था, उसको डिवोर्स दे देते या जैसे भी करते, जैसे भी नहीं गुजारा होता तो एक साइड पर हो जाना, लेकिन इस तरह बहुत बुरा हुआ, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है या वो ही जानती हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ या किसने किया है। बाकी व्यूअर्स बहुत अफसोस हुआ मुझे जो है ना, यानी कि ये इनकी वीडियोज़ देख के, कल भी वो लाइव आई हुई थी किसी और चैनल पर, तो मैंने देखा कि वो कह रही थी कि मैं चैनल नहीं, अब मेरा रहा, मैं नहीं बना सकूँगी ये वो, अल्लाह बेहतर करेगा। तो जी व्यूअर्स, आज आपसे हमने यही बात सिर्फ थोड़ी सी शेयर करनी थी, तो तब तक के लिए अब जी अजानें भी आ रही हैं, तो चलें व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।